साल 2019 में लोकसभा चुनाव होने हैं और चुनाव का वक्त नजदीक आते ही मुद्दे और विवाद भी उठने लगे हैं। अब आगरा, ताज और नवाज का मुद्दा उठा है। ताजमहल परिसर की शाही मस्जिद में जुमे को छोड़ दें तो बाकी दिनों की नमाज पर पाबंदी लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि ताजमहल की सुरक्षा के मद्देनजर कदम उठाए गए हैं। खैर, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ताज की चिंता नहीं है। इस आदेश को कौम के वजूद से जोड़कर पाबंदी से बेपरवाह होकर शाही मस्जिद में नमाज अदा की गई। उधर बजरंग दल ने नमाजियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। अगर ये नमाज पढ़ सकते हैं तो पूजा के लिए हम भी फिर द्वारा वो करते हैं, हम पूजा करेंगे इसमें। वहीं नमाज की पाबंदी के नोटिस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ताजमहल बंद होने के कारण उस दिन नमाजी किस तरह जाए, उसके लिए नमाज की अनुमति विशेष रूप से दी गई है, लेकिन उस बात को लेकर के जिस तरह से चल रहा है माहौल वो बिल्कुल गलत। आरोप प्रत्यारोप के बीच शाही मस्जिद में अदा की गई नमाज के वीडियो पर प्रशासन ने कार्रवाई का भी मन बना लिया है। खैर, प्रशासन की कार्रवाई से ये सब मुद्दा खत्म होता है या फिर चुनावी माहौल में चिंगारी भड़कती है।